मेरे पास तो यही गण है, ऐसा कर कुछ सिखा दे संस्कृत इनको और उसके पास से भाषा कर ले। बोली तुम्हारी सेवा करूँ या इनके इनको संस्कृत सिखा दे बेटा, और इनको बोलने संस्कृत सीख सके बोलने नहीं आता, ये लोगों को एक बात अगर बोलूंगा उसको क्षा बोलने नहीं आता इनको, ऐसे लोगों को मैं समझाऊं कैसे। दोनों का वाद विवाद बढ़ गया, वाद विवाद इतना बड़ा कि शिव जी त्रस्त हो गए। माता पार्वती का कहना था कि इन भूतगणों को राक्षस गणों को निकाल दो और यहाँ देवगणों को ला लो और उनके साथ मैं सेवा कर लेती। शिव जी ने कहा ये तो मेरे पास रहेंगे, मैंने ये बांट लिया है और ये मेरे पास के रहेंगे, मेरे पास से नहीं जाएंगे। तो माता पार्वती ने कहा आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। शिव जी मौन हो गए, चुप हो गए और कहा कि ये झगड़ा ऐसा ही बढ़ता चला गया तो अब दोनों में किसी प्रकार का सुख नहीं रहेगा। हल्लू रात में शिव जी भाग गए, भाग के जाके कहीं ऐसी जगह बैठ गए जहाँ तुझे मान लेना है तो भूतगणों से काम कर ले, नहीं तो मैं चला चले गए और जाके ऐसी जगह बैठ गए कि जहाँ अब पार्वती माता शोध में लगे, यानी अनावश्यक रूप से इनको ये भूतगणों से काम कर लेनी तो अच्छा था। तेरे काम कितना शोध लगाया, भूतगणों को पूछा, राक्षस गणों को भेजा, सबको भेजा, मेरे शिव जी को ढूंढ किया, शिव जी कहाँ मिलने वाले, शिव जी मिलने वाले। आखिर में माता पार्वती क्षमा मांगने लगी कि ऐसा होना है, आपको तो पता है नार बामनी झगड़ा लगाने वाले पहले ही माता पार्वती के पास आए। बोले क्या हुआ माँ इतना परेशान है। अरे क्या बताऊँ यार, थोड़ी सी बात हो गई, मेरे अनुकूलता के लिए मैंने शिव जी से प्रार्थना की थी कि मेरे को अच्छा अच्छे लोगों को सेवा में बिठा दो, ये भूतगणों को अगर लगाए हैं तो उनको गुस्सा आया और वो चले गए। कहाँ चले गए अभी पता नहीं, सभी लोगों को ढूंढने के लिए भेजी हूँ लेकिन वो मिलते नहीं, कहाँ गए इसका भी पता नहीं। तो मैं क्षमा मांगती हूँ नारद भगवान, आप कुछ ना कुछ तो करो कि शिव जी कहाँ है बताओ। माँ तू शक्ति स्वरूपिणी, अब उस शिव जी को क्षमा मांगना ये बात होना नहीं चाहिए, तुम्हारे बल पर बुलाना चाहिए। झगड़ा लगाने के लिए क्या करना है, अभी पति पत्नी में झगड़ा लगाना रहा तो कोई ना कोई असर वाला आदमी होता है उसको और भड़का देता है ज्यादा। माता पार्वती को भी लगा नारद सही बात कह रहा है, मैं क्यों असर झुकाऊ, मैं मेरे गणों को बुला लेकर मैं सेवा करवा लेती हूँ, लेकिन शिव जी गए तो कैसा। तो उन्होंने कहा नारद ये कुछ भी होने दो, तू एक बात कर ले, मेरे सिर्फ पता बता दे शिव जी कहाँ, बाकी की बात मैं देख लेती। नारद जी ने कहा माँ बता देता हूँ लेकिन तू झुकना नहीं, हाँ बोले। अब माता को क्या लगा, अरे क्या नारद मेरे फेवर में बात कर रहा है, झुकना नहीं बोल रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, सिर्फ तू बता दे मैं काय को झुकती हूँ, उनको नहीं झुकूं, उनको झुकाती हूँ, मैंने मुझे करना है जो करना है मुझे पता है। आखिर गई माता पार्वती को कहा यमुना नदी के किनारे फलाना गुफा में साधना करते बैठे, माँ मैं बोला हूँ ये बात शिव जी को मत बोलना नहीं तो मुझे गालियां देंगे, उनकी ये समाधि टूट जाएगी। अब माता पार्वती को लगा ठीक है अब तू चले ला मैं देख लेती हूँ। गई पार्वती, अब बोली कि मैं अगर इस रूप में जाऊं तो फिर वहां से भी भाग जाएंगे, अब क्या करना है। माँ आदि पराशक्ति को प्रार्थना की कि ये शिव कैसा भी समाधि में बैठने दो, मेरे घुंघरुओं की आवाज सुना या मेरे तरफ देखा तो इसकी समाधि भंग हो जाए और ये लंगोट लाके मेरे पीछे भाग के ऐसा कोई वशीकर नियंत्र दो। आदि पराशक्ति के पास गई और पूछने लगी शिव जी मेरे पीछे भाग के आए। माता आदि पराशक्ति माता पार्वती को कहा हे पार्वती तुझे एक रूप देती हूँ जिस रूप को देकर सारा जग मोहित हो जाएगा। और माता पार्वती को फिलिनी का रूप दे दिया, जो जंगली रहते वहां जंगल था नदी थी, फिलिनी के रूप को दे दिया, इतनी सुंदर कि पूछो मत। जहाँ शिव समाधिस्थ बैठे थे फिलिनी के रूप में पार्वती माता गई और उनके सामने अपनी घुंघरू लगाकर नृत्य करने लगी। शिव जी की तपस्या समाधि टूटी, बोले मेरे सामने ये घुंघरुओं से नाचने वाली कौन है। देखा शिव जी जैसे ही फिलिनी रूपी पार्वती को देखे मोहित हो गए और बोले ए भाई तुम कहाँ से आई। उन्होंने कहा तुझे क्या करना है, तेरी समाधि तू देख ले, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मेरा नृत्य में कर ले रही, तुझे क्या करना है, नृत्य नहीं मेरी समाधि टूट रही है, मेरी अगर मेरे इस नृत्य से मेरे कार्य से समाधि टूट गई तो ठीक है मैं चले जाती हूँ। अरे नहीं नहीं चला नहीं, तू इतनी सुंदर आई कहाँ से, तू आई कहाँ से ये तो बता। तो शिव जी को उस बिल ने कहा तू कौन है पहले ये तो बता। अरे मैं कौन है बोलती, मैं साक्षात शिव महादेव, वही ना पार्वती का पति। हाँ उन्होंने कहा पार्वती का पति, फिर पार्वती के पीछे क्यों नहीं जाता, मेरे पीछे क्यों पड़ा। आज तुझे क्या मालूम पार्वती मेरे से झगड़ा करती है, बहुत झगड़ा हो गया उसका मेरा, बस अब तू मेरे साथ बोल रहा मैं पार्वती को देख लेता हूँ। फिर जी को आया गुस्सा,
बोले ये अर्थ होते ही ऐसे। वरुण ने कहा पिटिनी के रूप में पार्वती ने देखा तो अच्छा पार्वती अच्छी नहीं है, मैं अच्छी होगी तुम्हारे को। जब उन्होंने शिव जी ने देखा ये और कोई नहीं मेरी ही मेरा ही मेरी पत्नी पार्वती है पिटिनी है। शिव जी ने कहा ये क्या धोखा दे दिया, तो ऐसे कहा। उन्होंने कहा तुमने मेरे को धोखा दे दिया, भाग क्या तुम्हें मेरा मेरा विवाद अच्छा नहीं लगा यहाँ और मुझे इतनी दूर रखकर तुमने ये जो कार्य किया आपको अच्छा लगता है क्या ऐसा आना। अरे बोल क्या है, तुम जहां भी जाकर समाधि में बैठ सकते हो, फिर मैं औरत मैं भी समाधि में बैठना चाहता हूँ, बताओ बताओ ये समाधि कैसे लगती है, इस मंत्र का विधान बताओ, मैं भी तुम्हारे से कभी रूठ कर जाकर समाधि में बैठ जाऊँ, इसका विधान बताओ। अरे शिव जी शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तो समाधि बीमारी मत लगा, मैं परेशान हो जाता हूँ, समाधि का कार्य तो मत कर, समाधि के बारे में तो विचार मत कर, तुझे समझा देता हूँ, चलो अभी समझाओ समाधि कैसी लगती है, मैं कहाँ अकेले भी रहूँ सशक्तिवान रहूँ और मेरे पीछे कोई नहीं आए, ऐसा विधान बता दो। शिव ने कहा समय आने पर बता दूंगा, अब तो तुम मेरे पास आ जा, पास आने के बाद सवाल भेजना मुझे साधना बताओ। शिव जी ने कहा उसको थोड़ी देर तक समझाया, दोनों मिलकर कैलाश पर्वत आ गए। अब हर बार बैठे बैठे पार्वती रट लगाती थी, वो साधना बताओ, वो जिस साधना को आप करके इतने महान हुए उसका उसका विधान बताओ। तो शिव जी ने कहा चलो हमारी साधना कोई सुने नहीं, ऐसी जगह जाके बैठेंगे। फिर वो यमुना नदी के किनारे उस गुफा के पास आए और शिवजी ने उनको कहा कि सबसे बड़े संस्कृत भाषा और इसका कुछ भी शक्ति नहीं है पार्वती, जहां भावना हो भावना से अगर तू आ करके चिल्लाई तो भी लगता है कि इसको कोई दर्द है, या आ बुरी तो करके के आ बुला, यानी इसमें भाषा से भी ज्यादा भावना की श्रेष्ठता है और इस भावना को जिस प्रकार व्यक्त किया जाए मैं प्रसन्न होता हूँ या समाधि स्थिति लग जाती है। अपनी भावनाओं को जागृत करने की क्रिया को समाधि कहा गया, समाधि का मतलब होता है समाधि। इस संसार में वर्षा है धूप है कुछ भी है सुख दुख है कुछ भी है, आप सब भाव से रहें और यह भावना तभी आ सकती है जब आपका शरीर पूर्ण तरह से शिव और शक्ति शिव शक्तिमय हो, और शिव शक्तिमय होने के लिए क्या करना चाहिए, शिव जी माता पार्वती को धरे यमुना नदी के किनारे बैठे, तभी एक बात जैसे भी भगवान विष्णु को पता चली कि शिवजी रहस्य की बात बता रहे हैं, इस संसार में समाधि स्थिति की बात बता रहे हैं, भगवान विष्णु भाग कर आए और एक मछली के पेट में घुस गए और ये जो शिवजी बता रहे थे उन्होंने सब सुन लिया। जैसा ही सुन लिया माता पार्वती ने कहा मैं पूरा इस बात को समझाया तुझे पता है मैंने क्या कहा, तो मछली से आवाज आई बस इसका अर्थ यह है कि सब समाज में जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यही बता रहे थे ना, सब इस संसार में जो अंड में है वही ब्रह्मांड में, यही बता रहे थे। शिवजी ने सुना मछली से आवाज आ रही, उन देखा मछली को हाथ लगाया मछली फूटी उससे बालक बाहर आया, शिवजी समझ गए ये नारायण है, नव नारायणों में से एक नारायण है और वो थे आगे चलकर मच्छिंद्र नाथ हुए। जब जब समझा रहे थे ये बात तो उनने देखा कहा और कहा इस संसार में भावना से श्रेष्ठता कुछ नहीं है, भावना किसी भी रूप तरह बताई जाए किसी भावना से भी बताई जाए वो श्रेष्ठ कहलाती है। जब शिवजी ने कहा कि आगे का तुम्हारा काम तुम्हें देखना है तो बिलिनी ने कहा कि इनका क्या काम क्या करना है, तू ही कहती है ना कि भूतगणों की भाषा नहीं समझ में आती ना गांव जंगल में रहने वालों की भाषा समझ में नहीं आती, वो तो केवल अपने हाव भाव से ही सब पता करते हैं, तो मैंने श समाधि का मतलब है खामोश बोल दिया मैंने उस श से बरी कर रहा हूं तुझे निकाल ले रहा हूं उस खामोशी से तुझे बरी कर रहा हूं और इसको शाबरी विद्या कहा गया। उस तब से उन्होंने माता पार्वती को इस विद्या का बोध करते हुए कहा यह शाबरी विद्या है या शाबरी मंत्र है, तुझे शबरी के नाम से मैं इस विद्या को संसार में फैलाता हूं। जब मच्छिंद्रनाथ जी को यह बात पता चली मच्छिंद्रनाथ नवनारायण के रूप में आए और वे संसार में लोक कल्याणार्थ अवतार लेते गए, अवतार लेने में हर प्राकृत भाषा में इन नवनारायणों ने अवतार लिया, जैसे अगर आप कहो कि पहले मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ ये सारे लोग ऐसी भाषा की उत्पत्ति की जिसमें संस्कृत और हिंदी मिश्रित था, बाद में तुलसीदास रामदास आदि ये रामायण ये सारी चीजें ये नवनाथ फिर हिंदी पूर्ण हिंदी रूप में आए,
मराठी में आ जाओ तो संत तुकाराम ज्ञानदेव महाराज सब मराठी में, ये नवनाथी भी, फिर तेलुगु में आया तो आनंद अपने अन्नमैया त्यागराज ये सब तेलुगु में। इस नवनारायणों ने हर एक प्राकृत भाषा में अपना अपना जन्म लेकर उस प्राकृत भाषा के मंत्रों का उद्धार किया और मंत्रों को उद्धार करते हुए उन मंत्रों का प्रचार करते हुए कहा कि इन मंत्रों को अब उद्धारेंगे, जितने संस्कृत मंत्र में शक्ति है उतनी ही इन मंत्रों में भी शक्ति है।